मिनट तक भोपाल में पीएम मोदी का रोड शो, कमल का फूल हाथ में लेकर किया प्रचार। पिछले लोकसभा चुनाव में राज्य के कुल 29 लोकसभा सीट में से भाजपा ने 28 पर जीत हासिल की थी। कांग्रेस ने केवल छिंदवाड़ा संसदीय सीट जीती थी। इस चुनाव में भाजपा का लक्ष्य राज्य के सभी 29 सीटों पर विजय पाना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार रात मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के पक्ष में रोड शो किया। इस दौरान पीएम खुले रथ में सवार थे और उनके हाथ में भाजपा का चुनाव चिन्ह कमल का फूल भी रहा। ये लगातार जनता का अभिवादन स्वीकार करते हुए आगे बढ़ रहे थे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के अलावा भोपाल से भाजपा प्रत्याशी आलोक शर्मा भी उनके साथ मौजूद रहे। यह रोड शो 30 मिनट तक चला। इस दौरान पीएम ने वाल्मीकि नगर तिराहे से न्यू मार्केट के धान के पेट्रोल पंप तक 1.2 किलोमीटर की दूरी तय की। रास्ते में दोनों तरफ जनता की भारी भीड़ मौजूद रही, जो कि पीएम के स्वागत करने और उनकी एक झलक पाने के लिए बेकरार दिखी। लोग खून बरसाते हुए पीएम का स्वागत करते देखे गए। मध्य प्रदेश का प्रधानमंत्री का